वेलकम टू माय चैनल, आई एम शहाबुद्दीन अहमद। तो पिछले एक महीने से मैं वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा था ड्यू टू माय सेमेस्टर एग्ज़ाम। एंड फाइनली सेमेस्टर एग्ज़ाम इज़ ओवर एंड आई गॉट 81.5% मार्क्स एंड माय एनाटॉमी मार्क्स इन सेमेस्टर एग्ज़ाम इज़ 95 out of 100। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ अपर लिम। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ रेटिनाकुलम। तो रेटिनाकुलम को ऐसे समझिए सिंपली जैसे हेयर बैंड, जो लेडीज़ यूज करती हैं हेयर बैंड। हेयर बैंड को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हेयर्स को एक जगह स्टेबल रखा जाए। उसी तरह रेटिनाकुलम का यूज मसल टेंडन्स को एक जगह फिक्स रखने के लिए किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ अपर लिम। तो अपर लिम में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कहाँ पे होता है, तो ये हमारे रिस्ट में होता है, यहाँ पे, यहाँ भी कार्पल बोन्स के साथ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम अटैच होता है यहाँ पे। तो चलिए पहले सबसे पहले डायग्राम से देखते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को। ये सारे कार्पल बोन्स हैं, स्केफोइड, ये स्केफोइड है, लिनेट, प्रोआइक्यूट्रल, इसी फॉर्म, ये हेमेट है, हेमेट, कैपिटेट, टर्पीजियम एंड टर्पीजॉइड। तो आप जानते हैं ये साइड लेटरल साइड होता है, लेटरल साइड, और ये मीडियल साइड होता है। और रेटिनाकुला में राइज होता है यहाँ से, इसके स्केफोइड बोन से अटैच रहता है, देन टर्पीजॉइड से अटैच होते हुए यहाँ से निकलता है, और हेमेट से फिर अटैच होता है, और देन इसी फॉर्म से। और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कार्पल बोन्स के साथ एक टनल फॉर्म कर रहा है, ये देखिए ये टनल, इसको कहते हैं कार्पल टनल। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम किस किस बोन से अटैच रहता है, तो लेटरल साइड में स्केफोइड एंड ट्रेपेजॉइड से, एंड मीडियल साइड में पीसी फॉर्म एंड हेमेट से अटैच रहता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में दो स्लिप होते हैं, एक डीप स्लिप होता है जो ट्रेपेजॉइड से राइज करता है यहाँ से ऐसे डीप स्लिप, और दूसरा होता है सुपरफिशियल स्लिप जो पीसी फॉर्म से राइज करके यहाँ पे भी होता है। तो ये सुपरफिशियल स्लिप है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का, और ये डीप स्लिप है, और यहाँ पे थिनार मसल यहाँ से अराइज करता है, ये थिनार मसल है। थिनार मसल क्या होता है, ये वाला मसल जो है यहाँ पे, ये थिनार मसल है और ये हाइपोथिनार मसल है। तो ये दोनों मसल सुपरफिशियली रेटिनाकुलम फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से अराइज करती हैं, और हाइपोथिनार यहाँ से अराइज करता है। तो ये हो गया थिनार मसल एंड हाइपोथिनार। यहाँ पे एक ई शेप का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये अल्नर बर्सा है। तो व्हाट इज बर्सा, बर्सा इज बेसिकली ए मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्लूइड होता है जो टेंडन्स को लुब्रिकेट करता है और फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है, ये अल्नर बर्सा है। और यहाँ पे चार टेंडन्स होते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के,
फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये चारों टेंडन्स जो हैं अल्नर बर्सा के अपर पोर्शन में, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और यहाँ पे भी चार टेंडन्स होते हैं, ये चारों फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के चारों टेंडन्स हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। डीप स्लीप जो होता है यहाँ पे, जो इसके अंदर से पास होता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल्स का टेंडन, डीप स्लीप के अंदर से कौन सा मसल का टेंडन पास करता है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल का टेंडन पास करता है डीप स्लीप से, और सुपरफिशियल स्लीप से पास करता है अल्नर नर्व एंड आर्टरी। तो हम डिफरेंट कलर्स इसको, ये अल्नर आर्टरी, और ये अल्नर नर्व, और यहाँ पे रेडियल बर्सा होता है, जैसे यहाँ पे ये अल्नर बर्सा है, ये रेडियल बर्सा के अंदर पास करता है कौन सा मसल का टेंडन, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल का टेंडन पास करता है रेडियल बर्सा। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के सुपरफिशियली कुछ मसल के टेंडन पास करते हैं, जैसे यहाँ पास करता है पाल्मेरिस लॉन्गस मसल का टेंडन, और ये मीडियन नर्व है, और ये अल्नर नर्व का ब्रांच। तो ये था डायग्राम फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम क्या होता है और कौन कौन सा स्ट्रक्चर इससे होकर पास करता है और अटैचमेंट क्या है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का। चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी से रिवाइज कर लेते हैं इसको फ्लेक्सर रेटिनोकुलम को। तो ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम बेसिकली अटैचमेंट जो मैंने बताया था मीडियली पीसी फॉर्म से एंड हुक ऑफ हेमेट से अटैच होता है, और लेटरली ये स्कैफोल्ड के टिबोर्कल से अटैच होता है एंड क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम। एंड फ्लेक्सर रेटिनोकुलम हैव टू स्लीप, लेटरल साइड में डीप स्लीप होता है जो अटैच होता है ट्रेपेजियम से, और इससे एक टेंडन पास करता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल का, और मीडियल साइड होता है सुपरफिशियल स्लीप, उसको और वोलर कार्पल लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं, वो अटैच होता है पीसी फॉर्म से, और उससे अल्नर नर्व और वेसल्स पास करते हैं। स्ट्रक्चर पासिंग सुपरफिशियली टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, कौन कौन से स्ट्रक्चर सुपरफिशियली पास करते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का, तो पहला है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व, सेकेंड टेंडन्स ऑफ पाल्मेरिस लॉन्गस, थर्ड पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, फोर्थ अल्नर वेसल्स, फिफ्थ अल्नर नर्व। और स्ट्रक्चर पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में पहला होगा मीडियन नर्व, फोर्थ टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो अल्नर बर्सा में था, और फोर टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ये भी अल्नर बर्सा में था, एंड टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस अल्नर बर्सा रेडियल बर्सा एंड द टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो ये था फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।